गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर कल की तरह। और आज है 2 दिसंबर। आज है 2 दिसंबर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जो भी लोग रह गए हैं उन लोगों को शेयर करके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कराने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में आप देख रहे हैं, आप चैनल पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। पावर पॉइंट स्टडी इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर, मेरा नाम है शशांक कश्यप, ठीक है, मैं आपको रोज़ डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और रोज़ बैच टाइमिंग का, बैच का टाइम है, दस साढ़े दस तक आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक दिसंबर को क्या बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है एड्स दिवस। कौन सा दिवस? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का एक और नाम होता है, एड्स का एक और नाम होता है HIV। क्या नाम होता है? HIV। अच्छा, एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का पूरा फुल फॉर्म ये होता है, अक्वायर्ड इम्यूनो रेफरेंसेस डिफ्रेंसिस सिंड्रोम। ये किसका नाम होता है? ये एड्स का नाम होता है, ये एड्स का नाम होता है। और इसका विषय क्या था? इसका विषय भी तो होगा, जब ये मनाया गया 1 दिसंबर को, तो इसका कोई विषय भी तो होगा। इसका विषय क्या था? इसका विषय ये था, विषय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका विषय था इसका वास्तुवे। इसका विषय था एंड इक्वलिटी, एंड इक्वलिटी एंड एड्स, ठीक है। और एक होता एंड पेंडोमिक्सा, मतलब इस विषय पर इस चीज़ को संबोधित किया गया, एंड इक्वलिटी एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। इसको विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। और ये कब से मनाया जा रहा है? इसका कभी ना कभी कोई डेट होगी। इसको मनाया जा रहा है 1998 से, 1988 से इसको विश्व एड्स दिवस को मनाया जा रहा है। किस तारीख को? 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें उसमें, लाइक और शेयर के लिए बोले उन्होंने, लाइक और शेयर। गुजरात एक क्या बन गया? गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। क्या बन गया? देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब RBI ने इस चीज़ को घोषित किया। किसने किया? RBI ने बताया, RBI ने ये बताया, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, मतलब देश में सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये किसने बताया? RBI ने। और इसके बाद कौन है? इसके बाद आता है महाराष्ट्र, जिसमें राजस्थान सबसे पीछे छूटा हुआ है। और गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात है देश का पहला और महाराष्ट्र है इसके बाद नंबर दूसरा। और इसकी सकल आय 2012 से 20 के बीच में इसमें 15.9% सालाना विनिर्माण का कार्य होता है,
विनिर्मित होता है, और यह बढ़कर कितना हो गया अब, 15 लाख, नहीं, 15 लाख नहीं हो गया, 5.5 लाख किया, 5.11 लाख करोड़ ये बिंदी है, मतलब सीधे सीधे 5.11 लाख करोड़ रुपए इसकी सालाना आय बढ़कर हो गई है। और किस किस लिए हो गई है? क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग, ये दुनिया भर में अपने हब को सप्लाई करता है भारत से ज़्यादा, मतलब भारत में भी निर्यात करता होगा, निर्यात करता होगा, ये पूरी दुनिया करता है। जी किसने घोषित किया? आरबीआई ने, आरबीआई ने इस चीज़ को घोषित किया, ठीक है। एक और है, 3 दिसंबर आने वाली है, 3 दिसंबर आए, 3 दिसंबर को क्या था, एक 3 दिसंबर 1971 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिसंबर 2021 को 50वीं गांठ वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। किसको? 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान, भारत और इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। जिसके उपलक्ष्य में भारत की जीत पर इसको मनाया जा रहा है। और ये किसके ऊपर बना है? इसका कुछ ना कुछ थीम तो होगा, किस समान है, किस के ऊपर बना है, कौन सी थीम के ऊपर? परमवीर चक्र विजेता, एक इसमें परमवीर चक्र विजेता, एक परमवीर चक्र विजेता सूबेदार, एक सूबेदार थे परमवीर चक्र विजेता, जिनका क्या नाम था, जिनका सूबेदार है ये सूबेदार, परमवीर चक्र सूबेदार थे, जिनका क्या नाम था, संजय कुमार, जिनका क्या नाम था, संजय कुमार, इनके समर्पण हेतु बनाए जा रहे, मतलब इनके परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार को समर्पित समारोह है, ठीक है, मतलब ये समारोह इनको समर्पित है, ठीक है। SBI ने UIL के साथ समझौता किया, SBI ने किसके साथ किया, SBI ने, SBI के आजकल सर्वर बहुत जा रहे हैं, SBI ने UIL के साथ एक MOU समझौता, आपको पहले पढ़ा चुका पिछली वाली वीडियो में देखना, MOU समझौता, MOU समझौता किया है, ठीक है। और एमओ समझौता क्यों किया है, किस मॉडल के तहत किया, संयुक्त देयता समूह के रूप में समझौता किया, इस समझौता के अनुसार उत्तराखंड दिल्ली पश्चिमी यूपी NCR हरियाणा में, कौन से, उत्तराखंड दिल्ली पश्चिमी यूपी हरियाणा NCR के बैंकों से सिलाई मशीन, मतलब महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, मतलब SBI UIL के मौके समझौता कि जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। इस योजना में उत्तराखंड दिल्ली पश्चिमी यूपी और हरियाणा NCR के द्वारा सिलाई मशीन, मतलब SBI इसको सिलाई मशीन खरीद के देगा, SBI सिलाई मशीन खरीद के देगा महिलाओं को, और प्रशिक्षण देगा, और इस और इसको ऊषा उसको खरीद के SBI महिलाओं को देगा, और इसको ऊषा सिलाई स्कूल में इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और फिर ये
उद्योग के लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और ये वस्त्र बनाएंगी और वित्तीय पोषित करेंगी। मतलब ये महिला आत्मरक्षा बनेंगी, आत्मरक्षक, अपने मतलब खुद की, अपना मतलब खुद का कमाएंगे खाएंगे। तो मतलब इस चीज़ से सरकार को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सिलाई से अगर जैसे वस्त्र सिलेंगे, ठीक है, तो इनको निर्यात करेगी या सरकार देश में बेचेगी, तो इन महिलाओं को सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा और सरकार इनको सीधा सीधा पैसा डालेगी। किस योजना? SBI ने MOU समझौता, मतलब इस MOU समझौते के तहत इन महिलाओं को रोज़गार दिया जाता है, ऊसर सिलाई मशीन, मतलब इनको सिलाई करेंगी, इनको पहले इनको सिखाया जाएगा, फिर इनको बड़े स्तर पर करेगा और संयुक्त दैत समूह द्वारा, ठीक है। IIT मद्रास ने एक अपना IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसका क्या नाम है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, इक्यूमिनिवेट स्टार्ट, इसमें GUVTVI ने भारत की महिला, भारत की महिला कौन है, भारत की महिला स्मृति मांग, हाँ, को अपना स्मृति, मघाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो, क्योंकि इस ऐप के तहत, ये एक ऐप है, ठीक है, ये एक ऐप है जिसमें आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटर स्टार्टअप स्टार्ट किया है इस ऐप के तहत। इस ऐप में स्मृति मखनर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इस ऐप की क्या खासियत है, ये तकनीकी, मतलब स्थानीय भाषा में लोगों को तकनीकी स्थानीय भाषा में लोगों को तकनीकी सही जानकारी देगा, और यह लोकल भाषा में होगा। मतलब जैसे अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, उसको तमिल भाषा में इसका मिलेगा, और वो तकनीकी मतलब वहीं के किसी आदमी द्वारा, जो कि उसकी भाषा को रिकॉर्ड करके इस ऐप में डाला जाएगा, और इस ऐप के तहत उसको तकनीकी रूप से उस चीज़ में, उस व्यक्ति को मतलब प्रोग्राम वगैरह ऐसा हुआ सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। और ये किसने कराया? IIT मद्रास इमीडिएट स्टार्टअप। ये तो हो गया होगा। अभी फिलहाल में MP की सरकार ने एक समझौता किया है, MP की सरकार ने, ये समझौता किन किन के मध्य हुआ? ये समझौता हुआ वॉल्टमार्ट प्लस फ्लिपकार्ट, ने MSME का समर्थन किया। MSME का समर्थन कीजिए। MSME किसके तहत आता है? ये आता है MOU समझौते के तहत। और ये कब किया गया? 30 नवंबर 2021 को समझौता किया गया। इस समझौते में ये लोग अपनी मतलब वॉल्टमार्ट और फ्लिपकार्ट ने मेसी में मतलब MOU समझौता किया है। इस तहत के मतलब MP सरकार कहेगी कि मतलब हमारे यहाँ भी महिलाओं को रोज़गार दो, और उनको सिलाई मशीन या जो भी बड़े बड़े छोटे छोटे उद्योगों को बड़ा करने के लिए इन दोनों से समझौता करवाया है। मतलब कि ठीक है, आप लोग आपस में मिलकर समझौता कीजिए और हमारे साथ इस अपने सरकारी काम को आगे बढ़ाइए, जिसके MOU समझौता कहा गया। ये कब किया गया? 30 नवंबर को किया गया। एक और पॉइंट है, भारतीय टेनिस, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के सीएम, कर्नाटक राज्य के सीएम कौन है? बसवराज बोमोई ने राज उत्सव से सम्मानित किया। बसवर जो मतलब कर्नाटक के सीएम ने
भारतीय टेनिस स्टार रोहन बप्पन को अपने राष्ट्र राज राज उत्सव से सम्मानित किया, राज उत्सव पुरस्कार से सम्मानित, मतलब इनकी राज की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि रोहन बप्पन को दिया गया। या कौन थे? भारतीय टेनिस के स्टार थे, मतलब भारतीय टेनिस में इन्होंने बहुत अच्छी कमान हासिल की है। ठीक है, उड़ीसा के, और एक और पॉइंट इसके आगे, उड़ीसा, उड़ीसा जिसे आप उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा सरकार ने फेरी वाले उड़ीसा सरकार ने समाचार पत्र उड़ीसा सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ की है, समाचार पत्र भेजने, मतलब भेजने वाले नहीं होते जो फेरी वाले, जो न्यूज़पेपर आपके घर देके आते हैं, उन लोगों के लिए उड़ीसा सरकार ने अभी तक सर भारत सरकार में पहली बार, मतलब इंडिया में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा की काम किया है और जिसकी सरकार ने सराहना की है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने फेरी समाचार पत्र फेरी वालों के लिए, अगर उनकी दुर्घटना हो जाती है तो उनको 1,00,000 रुपये सरकार उनके परिजनों को देगी, अगर उनको दुर्घटना में घायल होते हैं तो उनको 1,00,000 रुपये सरकार, उड़ीसा सरकार उनको घर वालों को देगी, और अगर उनकी मृत्यु हो जाए अकस्मात, अगर अगर ये 1,00,000 रुपये तब दिए जाएंगे जब अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो, और जे और जे आ, नहीं नहीं जे अपार जे प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर, अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर सरकार इन लोगों को पैसा देगी, मतलब अगर जैसे प्राकृतिक रूप से, जैसे भाई उसको बीमारी थी, बीमारी चलते चलते चला गया, तो सरकार उसको 1,00,000 रुपये देगी, और जैसे आप रखते, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होना या कहीं पे जाके उसको चोट लगना, मतलब शारीरिक तौर पर हानि होने पर, आप रखते रूप से अगर मौत पाए जाने पर उसको 2,00,000 रुपये सरकार देगी उसके घर पे। जवाब देगी BSF ने, अभी फ़िलहाल में BSF ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि BSF की ज़रूरत पाकिस्तानी, और क्यों मनाया? क्योंकि इनकी शुरुआत 1965 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिससे आज इनको 57 दिवस पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में इन्होंने BSF ने अपना 57वां दिवस मनाया। ठीक है, और BSF कहाँ कहाँ तैनात है? ये भारत और पाकिस्तान के 100 इंडिया और पाक के बीच में 192 किलोमीटर की पूरी सरहद पर तैनात है। कौन है? BSF तैनात है, इसलिए BSF को, और ये कितनी, मतलब ये तैनात है और इसलिए BSF ने 57वां दिवस, इसके चपलक्ष में नहीं, मतलब 1 दिसंबर 1965 में ये बनी थी, इसलिए उन्होंने अपना 57वां दिवस बनाया। ठीक है, राजस्थान ने, राजस्थान में पीने की समस्या बहुत होती है, इसलिए सरकार ने, राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार को 16 करोड़ रुपए की सौगात दी जल आपूर्ति योजना के तहत। मतलब अब राजस्थान में जगह जगह कुएं खोदे जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, ऐसी ऐसी मतलब योजना स्टार्ट की, जिससे वहाँ की आम जनता को पानी पानी लेने मिलने में कोई समस्या ना हो, इसलिए। और इस साल भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, इस साल भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, मतलब 2021 का राजकोषीय घाटा 15.06 लाख करोड़ रुपए रहा। मतलब ये भारत सरकार का राजकोषीय घाटा है, कब का है? ये अभी का है, फिलहाल का। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स ने, मतलब ये चीज भारत सरकार को 21 और 22 में इतना राजकोषीय घाटा हुआ, मतलब राजकोषीय धनराशि का घाटा हुआ। ठीक है, ये तो आपके सब पॉइंट होगा, एक पॉइंट और इसमें, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी को इजराइल ने विनिर्माण हेतु, मतलब इंडियन आर्मी ने एक हेरोइन ड्रोन दिया है। ठीक है,
इंडियन आर्मी को किसने दिया? इजराइल ने। इजराइल से मतलब इंडियन आर्मी ने इजराइल से मांगा भारत सरकार ने कि आप हमें ड्रोन बना के दी। इसने हिरॉन मतलब इस ड्रोन का नाम है हिरॉन ड्रोन। ये सुरक्षा नीति है बहुत बढ़िया, इसमें नाइट विजन एक्सेट्रा, नाइट विजन हमला करने की क्षमता, और ये मानव रहित है, मतलब ड्रोन होते हो मानव रहित होते हो, और इसकी और ये इसकी उड़ने की क्षमता, यह भूमंडल से कम 150-200 किलोमीटर ऊपर से उड़ सकता है, और ये मध्यमिक मतलब एरोप्लेन और मतलब जैसे नीचे नहीं होता एटमॉस्फेयर बादलों में, ये बादलों में उड़ सकता है, ठीक है, और ये बिना दिखे मतलब बिना किसी रेडार के आए हुए ये अपनी अपना मिशन पूरा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।